सभी सबका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू स्टाइल से न्यू वीडियो लेके। तो आपको जब भी मन हो आपको पाव भाजी खाने का, तो ये घर पे आसानी से बन जाती है। ये मैंने न्यू स्टाइल से आपको पाव भाजी बनाना सिखाया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखे, स्क्रिप करके मत देखे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने पाव भाजी कैसे बनाई है। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं पाव भाजी। तो हमें यहाँ पे पाव भाजी बना रहे हैं, तो हमें पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है बड़े 4 आलू लिए हैं। हमने यहाँ पे 4 बड़ी साइज के आलू लिए हैं, हमने उसके ऐसे क्यूब बना लिए हैं। और यहाँ पे हमने फूल गोभी ली है, वो हमने इस तरह से बड़ी साइज में कट कर ली है। तो हमने यहाँ पे फ्रेश मटर आटे है वो लिए है। हमने यहाँ पे आधा बाउल लिए मटर लिए है, 1 बाउल फूल गोभी लिए है और 4 बड़े साइज के 4 साइज बड़ी साइज के हमने यहाँ पे आलू लिए है। तो हम इस पूरे पहले सब्जी को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो चलो पहले हम इसे वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। हम पहले 3 से 4 पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इसे। अब मैं इसे बॉईल होने के लिए प्रेशर कुकर में रख दूंगी। तो हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, तो मैं इसमें ये सारी सब्जी ऐड कर दूंगी। तब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी। हमने पहले यहाँ पे 1 गिलास ऐड किया और अब मैं इसमें 1/2 गिलास फिर से ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं इसे ढक्कन बंद करके इसको मैं 2 विसल लगाऊंगी। 2 विसल हो जाने के बाद हम जब तीसरी विसल बजे तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके रखेंगे और हम इसके जो उसका प्रेशर होता है वो अब हम निकालेंगे नहीं, वो अपने आप निकलेगा। तो हमारी जो सब्जी है वो अच्छी तरह से बॉईल होगी। तो हम इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा देती हूँ गैस पे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बॉईल हो चुकी है। तो मैंने बॉईल होने के लिए 2 विसल की और तीसरी विसल आने तक मैंने गैस की फ्लेम को बंद ऑफ कर दिया था। तब मैं इसका जो प्रेशर होता है वो भी निकल चुका है, तो मैं अब इसे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, तो मैं अब इसे साइड में रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा पैन रख लिया है, तो मैं उसमें पहले शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ली है, वो भी मैंने बारीक काटी हुई। मैंने और एक बड़ा शिमला मिर्च लिया है, वो भी मैंने यहाँ पे बारीक काटा हुआ। और ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे 3 ली है, वो बारीक काटी हुई है। अभी इसे मैं 2 से 3 मिनट तक इसे सोते करूंगी। और मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को स्लो ही रखा है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली एंड शिमला मिर्च को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है 2 से 3 मिनट तक। तो अब मैं इसमें बारीक काटे हुए 5 टमाटर लिए है। आपको ऐसे ना पता चले तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल लिया है ऐसा। वो ऐड करने के बाद मैं इसमें जो हमने सब्जी बॉईल की है मटर आलू एंड फूल गोभी, वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो मैंने वो निकाल के प्रेशर कुकर में से थोड़ी सी मैश कर ली है।
तो अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ इसमें। और सब्जियां ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा बटर ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड करूंगी। और दालचीनी जिंजर की पेस्ट को ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे आपको जितनी ऐड करनी हो टेस्ट प्रमाण आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 से 7 चम्मच ऐड करूंगी। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है मैंने यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना लिया है वो ऐड करूंगी। और थोड़ा सा नमक को अभी मैं थोड़ा ऐड करूंगी, उसके बाद मैं फिर से नमक ऐड करूंगी। अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सभी मसाले मिक्स कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे साइड में रखूंगी। अब मैं लास्ट एंड वाला इसका तड़का लगाऊंगी पाव भाजी का। तब हम इसका तड़का लगाएंगे, तब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना ऑयल रख दिया है, तो हमारा ऑयल में मैं थोड़ा बटर भी ऐड करूंगी। तो मैं फिर से इसमें 2 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑयल एंड बटर भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें अब प्याज ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे 1 बाउल प्याज ली है, वो ऐड कर दिया मैंने। अब हमने यहाँ पे प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी से हरी धनिया ऐड करेंगे। हरी धनिया ऐड करने के बाद में इसमें पाव भाजी मसाला है, 1 टेबलस्पून जितना फिर से ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा फिर से नमक ऐड करूंगी। इसे पकाऊंगी जब तक ये हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन तक हो ना जाए। जब हमारी प्याज अच्छी तरह से पक जाए तो हम उसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो हमने बॉईल की हुई सब्जी थी उसका मैंने पानी फेंका नहीं है वो इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा, फिर पहले ऐड करूंगी। अब मैं इसमें जो हमने पहले मसाला बनाया है वो भी इसमें ऐड करेंगे हम। मैं
जो मशरूम होता है उसकी हेल्प से अब मैं इसे मैश करूंगी। मैं अच्छी तरह से इसे अब मैश करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। आपको भी इसी तरह से पूरी अच्छी तरह से इसको मैश करना रहेगा। तो अब मैं फिर से थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि भाजी तो इतनी गाढ़ी नहीं होती, इसलिए मैं फिर से इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। फिर से थोड़ा पानी ऐड कर दिया, बॉईल किया हुआ था वो, और थोड़ी सी ऊपर से हरी धनिया। तो अब हमारी ये भाजी रेडी हो चुकी है, तो मैं आपको इसे सर्व कैसे किया जाता है वो भी अब मैं बता देती हूँ आपको सर्व करके। तो जो हमारे यहाँ पे पाव भाजी में पाव आता है, किस तरह से सर्व किया जाता है पाव को, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले एक पैन ले लिया है, तो मैंने उसमें थोड़ा बटर को ऐड कर दूंगी इस तरह से। थोड़ा बटर ऐड करने के बाद में इसमें थोड़ी हरी धनिया ऐड करूंगी। थोड़ी सी जो हमने भाजी रेडी की है वो ऐड करूंगी। अब मैं सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से इसे फैला दूंगी। जब हम इसमें पाव रखेंगे तो सभी अच्छी तरह से हमारा मसाला ये लग जाए पाव में, तब मैं इसमें पाव ऐड कर देती हूँ। हमारे यहाँ पे इस तरह के पाव मिलते हैं, तो हम इस तरह के पाव ही यूज करेंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। मैं इसे इस सर्विंग प्लेट में इसे ऐड कर दूंगी निकाल के।
तो हमारे यहाँ पे इस तरह से सर्व की जाती है पाव भाजी। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और टेस्टी भी इतनी ही लग रही है हमारी ये पाव भाजी। तो मैंने यहाँ पे भाजी के साथ ब्रेड को सर्व किया है, टमाटर है, प्याज है और लेमन के साथ हमने सर्व किया जाता है हमारे यहाँ पे। जब भी आप ये हमें ब्रेड को पाव भाजी के साथ दिया जाता है तो उसे रोस्ट करके ही दिया जाता है, तभी ये हमारे अच्छी लगती है। तो आपको ये हमारा वीडियो पाव भाजी का कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके कहें। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।